आओ उस महापुरुष वल वधिए जिन्हें तेग ऐसी चलाई भारत वर्ष अंदर खालसा राज स्थापित कीता। नाम है बाबा बंदा सिंह बहादुर। बापू गुरु ग्रंथ साहिब पता की कहिंदे ने, सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन का हेत, पुरजा पुरजा कट मर कबू ना छाड़े खेत। जिहड़े शहीद हुंदे ने ना दीन लई आपा वारदे ने, पहला मरण कबूल जीवन की छड आस हो सबना की रेण का तो आओ हमारा पास। जिहड़ा शहीद हुंदा सिद्धा गुरु अर्जन साहिब दी गोद विच पहुंचदा। बड़ा अगमी इतिहास है महापुरश दा। ये कत्तक सुदी 13 संबत 1727 एक बालक पैदा हुंदा है रजौड़ी विखे। रियासत पुणछ है, कश्मीर दा इलाका है ते पिता श्री रामदेव भरद्वाज राजपूत ने बालक पैदा होया। नाम लक्ष्मण दास रखिया गया, माधोदास करके बाद विच प्रचलित होए, बंदा सिंह बहादुर करके, गुरबख्श सिंह करके भी बाद विच प्रचलित होए। अच्छा, जीवन विच चार गुरु धारे ने उस बंदा सिंह बहादुर ने। पहला गुरु है जानकी प्रसाद वैरागी, राजौड़ी पुणछ विखे इसनू गुरु धारिया है। एक है साधु रामदास, राम थमण लाहौर इसनू मिलके गुरु धारना दिता। जोगी औगड़नाथ नासक दखण दे इलाके विच इन्हें गुरु धारिया है। तीन गुरु धारे, मन ना टिकिया रिधियां सिधियां मिल गईयां। मन टिकिया जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सरबंस वार के 14 जंगा मुगलां तों जित के दखण दी धरती नूं तारन नंदेड़ पहुंचे ने। महाराज इहदे डेरे आए ने, बस दिदारे की होए तिन कहो क्या उपदेसी है, जिन गुरु नानक देओ। माधोदास नूं जदों प्राप्ति होई ना गुरु दे दर्शन कीते, फिर ऐसा गुरु दा होया फिर कदे भी सिख जगत नूं छड के किनारा नहीं कीता। सनातन मत छड के खंडे बाटे दी पौल छाके गुरु का सिंह बनिया सी। नाले जिहनूं गुरु नानक दे घर दा उपदेश मिल गया उहनूं लोड़ ही नहीं किधरे मन दी झोली अट के उपदेश लैण दी। परमेश्वर दे सरूप तों जिहनूं बख्शिश प्राप्त हो गई। वेखो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह डेरे आए, इन्हें ना रिधियां सिधियां विखाइया। जदों रिधियां सिधियां विखाइया ये की करता सी, एक इहदा बड़ा सुंदर आसन सी। जिहड़ा भी कोई सतपुरश उत्ते आके टिकदा सी ना डेरा वेख के भी कोई जल पाणी छकीए थकावट दूर होवे, क्योंकि साधुआं नूं साधुआं दे दरां ते ही जाणा पैंदा है। ये अपनी करामात नाल वह आसन पुठा कर दिंदा सी, पलंगा आसन उल्टा दिंदा सी। अज भी जतन कीते, अज भी रिधियां सिधियां वरतियां, क्योंकि इहदे कोल ताकत बड़ी सी। बाणी कहिंदी है अष्ट सिद्ध नव निध इह करम प्राप्त जिस नाम देहे, द एट मिरेकुलस स्पिरिचुअल पावर्स। ये किहदे कोल हुंदियां ने, जिन्हां दे कोल नाम हुंदा है, आर कंटेन्ड इन द नाम। जिहड़े नाम हिरदे च टिका लैण उहनां कोल करामातां हुंदियां ने। जदों महाराज आसन ते बैठे ने करामात दिखाई ते पलंगा ना उठिया। ना करामात काम आई, क्यों ना काम आई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद ना पाई। क्योंकि अज कोई थोड़ियां बहुतियां सिद्धियां दा मालक कोई सतपुरश नहीं सी आसन ते बैठा, अज खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह बैठे सन। हैरान होया माधोदास, महाराज नूं कहिंदा तुसी कौन हो? महाराज कहिंदे पहचान, ध्यान नाल वेंदा है। एक अहमद शाह बटालिया होया, उन्हें अपनी रचना तारीखे हिंद दे विच जिक्र कीता है। कुछ सवाल जवाब ने, मैं संखेप विच ही जिक्र करा। जदों ध्यान नाल महाराज वल नजर दौड़ाई, शस्त्र वस्त्र वेखे, प्रचलित नाम है, प्रचंड नाम है, कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह जापदे हो। महाराज कहिंदे तू कौन है? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਧੋਦਾਸ ਹਾਂ ਔਗੜਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ? ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਔਗੜਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜੀਓ, ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ
तेरा मैं बंदा बै खरीद हां तेरे चरणा दा दास हुक्म करो महाराज कहिंदे तेनू खालसा पंथ विच शामिल करना है असी पंथ साजिया है मुगलिया सल्तनत का खुरा खोज मिटाउण लई क्योंकि वह भारत वर्ष के इंसानियत के जुल्म करते ने शामिल होवेगा कहिंदा नहीं शामिल तो होवांगा पर मैं तो इत्थे डेरे विच लोके दिन कटदा है जंजू ते कदों तो औरंगजेब ला रहा है सबना दे जे मेरे विच इन्नी ताकत होंदी मुगलां नाल टकराउण दी ते बापू दखण डेरे विच लोके ना बहिंदा मैं जिवें खालसा साजिया ई गुलामां नूं सरदार साजिया ई तख्तां दे वारस बनाउण लई इह अजमत दित्ती है अज मैनूं थापड़ा दे मैं जानदा हाँ तेरी जिहड़ी अजमत है जे थापड़े राही रंचक मात्र भी मेरे विच आ गई ते मैं मुगलां दा तख्त पुट दवांगा जे किरपा ना होई ते फिर कुछ नहीं होणा बापू ने दित्ता थापड़ा खंडे दी पौल छकाई वैरागी माधोदास सनातन मत नालों वख हो के गुरु का सिंह सजिया नाम बंदा सिंह बहादुर ते गुरबख्श सिंह प्रचलित हो गया ये की है सतगुर मेरा तान नितान गुरु पासों बख्शिशां लैके मुगलां नूं सोधण तुर पिया महाराज ने हुक्मनामे दिते भी पंजाब विच सारियां सिंघां नूं हुक्मनामे मेरे भेज दई तेरा साथ देणगे बाबा विनोद सिंह बाबा कान सिंह बाबा वार सिंह बाबा दया सिंह भाई रण सिंह पंज सिंह नाल दिते पंज पथे चो तीर दिते झंडा बख्शिया निशान बख्शिया निगारा बख्शिया संगतां नूं हुक्मनामे मिल गए बाबा बंदा सिंह बहादुर सिंघां दा जरनैल साजिया गुरु ने जंगा जितियां ने सडौरा समाणा सरहंद सहारनपुर करनाल लाडवा अमीनगढ़ लोहगढ़ बहरानपुर सारे ही जित लए सरहंद दा बादशाह बार सिंह नूं थापिया गया 36 लाख सालाना आमदन सी इस परगणे दी इस इलाके दी खैर भारत वर्ष के मुगलों को सजा भुगता होया बाबा बंदा सिंह बहादुर एक राज कायम करता है उदा नाम है सब सुखाली बुठियां यो होआ हलेमी राज जीओ खालसा राज जिथे सारे ही सुखी वसन मैकलम एक गल कहता है हिस्टरी ऑफ द सिक्स दे विच वो कहता है भी जे बहादुर शाह बादशाह दखण वल नूं चढ़ाई ना करदा ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सारा ही हिंदुस्तान जित लेना सी अज समा आया राज भाग कायम करके ना उन्हें सिक्के जारी किए जिहड़े वीर कह दिंदे ना नहीं जी उह ते वैरागी रहा रब दा वास्ता जे कुफर ना तोलो सनातन मत नूं वैरागियां नूं बिलोंग करदा सी अमृत छाके उहदा धर्म हो गया सिख धर्म जे ओ वैरागी ही रहिंदा ते अपने सिक्के दे उत्ते ओ विष्णु जी महाराज दा नाम लिखदा ना के गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह दा नाम लिखदा सिक्का जद पर हरदवालम तेग नानक वाहबस्त फतेह गोबिंद सिंह शाह सारा फजल सच्चा साहिबस्त गुरु गोविंद सिंह दा नाम लिखिया गया सिक्के दे इत्थे ही बस नहीं इस गल दा ख्याल रखियो उन्हें एक मोर बनाई खालसा राज दे उते लिखता है देगो देगो फतेहो नुसरत बेद रंग याफत नानक गुरु गोबिंद सिंह गुरु दे नाम दी उसने मोर चलाई अखीर गुरदास नंगल दी गढ़ी विच कैद हुंदा है क्योंकि मुगलां कसमां खा के तोड़ियां तो खा दिता न्याय करना चाहते सन कतलो गैरत नूं रोकना चाहते सन हथ मिलाउणा चाहते सन पर धोखे नाल पकड़ लिया गया कुतुब मीनार दे पास दिल्ली कैद करके लियांदा 700-750 सिंह दे सिर कलम करके नेजियां ते टंगे भी इन्हां दा आगू बंदा सिंह बहादुर डोल जावेगा ईन मन्नेगा कहिंदे फरक्शियर बादशाह कलमा पढ़ बाबा कहिंदा नहीं कलमा गुरु गोबिंद सिंह दे नां दा पढ़िया होया तैनू डर नहीं लगता खोपड़ा ते आ देख कैसा मंजर है नेजियां ते खोपड़ टंगे हुए ने तेरा हशर ए होवेगा कहिंदे देख ऐ फरक्शियर मेरे नाल रहण वाला ये 700-750 सिंह नहीं डोलिया ईन नहीं मनी ते इन्हां दा आगू जरनैल ईन किवें मन लवे कोई भी सजा दे ईन नहीं मनांगा अखां दे सावें पुत्र अजय सिंह दा कलेजा कढ के ना उहनूं शहीद करके
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੀਲਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਲੀ ਰੈਕਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਰਬ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਭ ਫਲ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੀਸ ਅੰਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਮ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੋ ਕਭੀ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਅਨੀਸ, ਰਿਜ਼ਕ ਜੰਨਤ ਮੇਂ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਨ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਾਕੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਸਰੱਈਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਮਰ ਹੈ।